नमस्कार, प्राइम शतक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर आयोजित हुआ दिवाली मिलन समारोह, इस मौके पर मोदी ने कहा, पूरी क्षमता के साथ काम करो पीएम। जम्मू पहुंचने पर महबूबा मुफ्ती को बजरंग दल ने दिखाए काले झंडे, दी पाकिस्तान की हार की बधाई। रेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, स्पेशल ट्रेन और बढ़ा हुआ किराया खत्म। वायु प्रदूषण रोकने के लिए सीपीसीबी का निर्देश, वाहनों की संख्या में 30% की कटौती करने की सलाह। संसदीय समिति ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर शुरू करने का दिया सुझाव, बढ़ते किराए को लेकर भी हुई बातचीत। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा ने सांसद चिराग पासवान से की मुलाकात, दिया बहन के निकाह का निमंत्रण। राहुल गांधी के बयान से बिहार के भाजपाई कर्म सोनिया पर चढ़ा आरोप, लालू यादव और शिवानंद से भी पूछे सवाल। यूपी में योगी आदित्यनाथ का रास्ता आसान करेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी ने जेडीयू से मांगी सीटों की सूची। पंजाब बसपा अध्यक्ष जसवीर को आरोप, कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए दोबारा प्रस्ताव पास कर कांग्रेस कर रही गुमराह। महंगाई के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरेंगे हरियाणा के कांग्रेसी, जन जागरण अभियान कल से शुरू। नवंबर को किसानों का दिल्ली कूच, ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर संसद भवन पहुंचेंगे किसान। हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात, धोती साड़ी पेंशन साइकिल और महंगाई भत्ता के लिए खोला खजाना। भाजपा विधायक अग्निमित्रा का ममता सरकार पर हमला, कहा पश्चिम बंगाल बन गया है आतंकवादियों का हब। महाराष्ट्र तक पहुंची त्रिपुरा हिंसा की आज, तीन शहरों में शरारती तत्वों की तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव, माहौल बिगाड़ने की कोशिश। कंगना रनौत के बयान पर बवाल, महिला कांग्रेस ने उदयपुर में दर्ज कराई शिकायत। वाराणसी में राजभाषा सम्मेलन का गृहमंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन, हिंदी वैश्विक मान दिलाने पर मंथन। प्रतापगढ़ में सपा की जनसभा में हुए बवाल, में पूर्व विधायक समेत कई पर मुकदमा दर्ज। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को उम्र कैद, सामूहिक दुष्कर्म मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। यूपी के करीब 3 लाख किसानों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने जारी की 102.63 करोड़ रुपए। रायबरेली में जनसत्ता दल की नेता का फायरिंग करते वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस।
हिंदूवादी नेताओं और बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन, शाहगंज थाने में किया गया घेराव, मृतका वर्षा को न्याय दिलाने की मांग की गई। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, दोनों पक्षों में हुई हिंसक झड़प। फरीदाबाद में हथियार के दम पर नकाबपोशियों ने की लूट, मनी ट्रांसफर की दुकान से 80,000 की लूट की गई। फतेहपुर में प्रशिक्षण से पराक्रम कार्यक्रम का जोरदार आयोजन, अयाह शाह विधानसभा में कांग्रेस का प्रशिक्षण, सैकड़ों कार्यकर्ता ने ग्रहण किया प्रशिक्षण। हमीरपुर में इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान हुई गिरफ्तारी। लखीमपुर खीरी में पंचायत सदस्यों ने सौंपा ज्ञापन, ब्लॉक कार्यालय पहुंचकर दिया गया ज्ञापन। मैनपुरी में धूमधाम से निकाली गई शोभा यात्रा, मां अन्नपूर्णा मूर्ति की स्थापना से पहले निकाली गई शोभा यात्रा। रायबरेली में जमीनी विवाद में हुई हिंसक झड़प, दोनों पक्षों में जमकर चली लाठियां। चंदौली में सहकारी समिति के कर्मचारियों का धरना, अपनी मांगों को लेकर किया गया प्रदर्शन। फतेहपुर में आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्त्रियों का प्रदर्शन, भाजपा सरकार के खिलाफ रोष। हमीरपुर में विश्व मछुआ दिवस का आयोजन, पहली बार किया जाएगा आयोजन। ललितपुर में नहर का पानी खेतों में भरा, पानी भरने से किसानों को काफी नुकसान, खेतों की सारी मिट्टी भी पानी में बह गई। रायबरेली में महिला अस्पताल में बेहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, मानवता की सारी हदें हुई पार। रायबरेली में अपराधियों में नहीं कानून का खौफ, फायरिंग करते हुए युवक का वीडियो वायरल, युवक की तलाश में जुटी पुलिस। रायबरेली में योगी सरकार के आदेशों पर लगा पलीता, घूसखोर लेखपाल का वीडियो हुआ रिकॉर्ड, नाले की माप के लिए मांगे पैसे। लखनऊ में मनी ट्रांसफर की दुकान से हुई लूट, हथियार के बल पर बदमाशों ने की लूट, सबको बंधक बनाकर लूटे 80,000 रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, करीब 425 ग्राम सोना किया गया बरामद, शारजाह की फ्लाइट से आया था युवक। चंदौली में युवक की हत्या से फैली सनसनी, रॉड और डंडों से पीट कर की गई हत्या, ग्रामीणों ने शव रख कर किया हंगामा। बलिया में सामाजिक परिवर्तन यात्रा लेकर पहुंचे शिवपाल, कार्यकर्ताओं ने शिवपाल को सिक्कों से तौला, शिवपाल यादव ने जनसभा को किया संबोधित। कानपुर में मां अन्नपूर्णा को लगा 56 व्यंजनों का भोग, दिन में लखनऊ पहुंचने के बाद अयोध्या रवाना होगी शोभा यात्रा। महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद ने कहा, मुसलमान दिखाए सद्भाव, हमें सौंप दे काशी मथुरा की जमीन।
बरेली में पति से विवाद के बाद पत्नी बनी कातिल, 2 साल के बेटे सहित 6 माह की बेटी की गलत अगवा कर ली जान। मुरादाबाद में प्रशासकों का ग्राम पंचायतों के धन में गोलमाल, 10 अधिकारी निलंबित। लखनऊ में हुए क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस में बोले ब्यूरोक्रेट्स, लोक सेवकों में प्रशिक्षण का अभाव भी जनसेवा में बाधा। दिसंबर को भी वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करेंगे जीरो बजट खेती पर राष्ट्रीय सेमिनार। हरीश रावत और यशपाल आर्य ने बद्रीनाथ धाम पहुंच कर लिया आशीर्वाद, बोले देवस्थानम परंपराओं के साथ खिलवाड़ हो रहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का उत्तराखंड दौरा तय, चमोली और रुद्रपुर में सभाओं को करेंगे संबोधित। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बोले जनता जानती है हरीश रावत के कार्यकाल की हकीकत। धामी ने कहा पिथौरागढ़ शहर को स्मार्ट सिटी योजना के दूसरे चरण में किया जाएगा शामिल। देहरादून में पकड़ी गई नकली सीमेंट की 2 फैक्ट्रियां, 2 गिरफ्तार, दिल्ली और काशीपुर से एक्सपायरी डेट की सीमेंट लाकर बेचते थे आरोपी। भाजपा ने यशपाल और संजीव की सियासी घेराबंदी की तेज, बोले सिर्फ स्वार्थ के लिए ज्वाइन की थी पार्टी। देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ एसएसपी को दी शिकायत, कहा उनके बयान ने फैलेगी नफरत। मंदिर की जोत से गोरा पड़ाव में श्रमिक का घर जलकर राख, 1 लाख के नुकसान का अनुमान। सरकार पलटने को तैयार बेरोजगार, कुमाऊं में कांग्रेस ने किया चुनावी शंखनाद, बीजेपी को जमकर कोसा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश रावत बोले हरीश रावत के बयान झूठ का पुलिंदा। लानीना के प्रभाव से नैनीताल में इस बार जल्द हो सकती है बर्फबारी, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का इंतजार। पिथौरागढ़ में वरदायिनी मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री धामी ने फहराया 100 फीट ऊंचा झंडा। रामनगर में कांग्रेस की पदयात्रा में नजर आई गुटबाजी, हरदा और रणजीत गुट आपस में बैठे। कॉर्बेट नेशनल पार्क का डिकाली जोन तैयार, 15 से डे सफारी और नाइट स्टे कर सकेंगे पर्यटक। कालाडूंगी में महिला कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए मंत्री भगत ने कराया ताकत का एहसास। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना लाहौर, जहरीले धुएं में सांस लेना हुआ मुश्किल। कोरोना के बीच पाकिस्तान में रहस्यमयी वायरल बुखार का अटैक, कराची में मिले सबसे ज्यादा मरीज।
भारतीय गेहूं को अफगानिस्तान जाने का रास्ता दे सकता है पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का अनुरोध किया। ब्रिटेन के बाद शारजाह पुस्तक मेले में छाए मोदी, प्रधानमंत्री पर लेखों के संकलन का अनावरण। नवंबर को वर्चुअल समिट में शामिल होंगे बाइडेन और शी, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। महंगाई पर इमरान सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा विपक्ष, विरोध प्रदर्शन की रणनीति पर करेंगे मंथन। कोविड-19 के गंभीर खतरों से निजात के लिए दो दवाओं को ईयू ने किया अधिकृत। तीसरी बार भी चीन के राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में ऐतिहासिक प्रस्ताव पास। प्लेन क्रैश में एंटरप्रेन्योर वायरस की प्राइस की मौत, पिछले माह की गई थी अंतरिक्ष की सैर। 65 साल के अधिकांश अमेरिकियों को लग चुका है बूस्टर शॉट, घरेलू हवाई यात्रियों के लिए भी सख्त नियम की मांग। पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत में 19 गुना बढ़ा डिजिटल लेन देन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया बयान। पीएम मोदी ने लॉन्च किया आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, शिकायत के लिए होगा एक लोकपाल पोर्टल। वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट खत्म होने के बाद कर्मचारी को फोन करने पर लगेगा जुर्माना। सिल्वर ईटीएफ लाने के लिए सेबी ने बदले नियम, ईटीएफ योजना एक म्यूचुअल फंड योजना है जो मुख्य रूप से चांदी या फिर चांदी से संबंधित साधनों पर करती है निवेश। कार खरीदने पर पाए 50,000 रुपए तक का फायदा, योनो एसबीआई का खास ऑफर आया सामने। सफाया फूड्स इंडिया का आईपीओ हुआ, 6.62 गुना सब्सक्राइब्ड, आरआईआई से मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स। भारत की जीडीपी में 2050 तक होगी 406 अरब डॉलर की वृद्धि, 4.3 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार, ओआरएफ ने कहा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष बोले, मजबूत एग्री रिकवरी के सहारे FY22 में होगी 10% से ज्यादा की ग्रोथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया EGCA, अब एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी DGCA की 298 सर्विसेज। गो फर्स्ट ने 32 नई उड़ानें शुरू करने का किया ऐलान, कई शहरों के लिए मिलेगी सीधी फ्लाइट। T20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल में इरास्मस और कैटलबर्ग होंगे मैदानी अंपायर। रवि शास्त्री का बड़ा खुलासा, T20 WC 2021 के लिए टीम चुनाव में उनका और विराट कोहली का हाथ था या नहीं, इस बात का क्या खुलासा। वसीम जाफर ने दीवाना मस्ताना फिल्म का पोस्टर शेयर कर पाकिस्तान की हार का उड़ाया मजाक।
राहुल द्रविड़ बिना सपोर्ट स्टाफ के जयपुर पहुंचे, बीसीसीआई जल्द कर सकता है दो कोच के नाम का ऐलान। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होते ही हसन अली का बाराती डांस वायरल, लोग बोले डांस इंडिया डांस में बुलाओ। आउट होने पर गुस्सा दिखाना, न्यूजीलैंड के डेवोन कोनवे को पड़ा भारी, विश्व कप से बाहर नहीं खेल पाएंगे फाइनल। भारतीय डॉक्टर ने किया रिजवान का इलाज, आईसीयू में थे एडमिट, बदले में दिया गया गिफ्ट। ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम न्यूजीलैंड के साथ रविवार को होगा मुकाबला। दुनिया को मिलेगा नया T20 वर्ल्ड कप चैंपियन, महामुकाबला होगा रोमांच। रोहित सहित चार दिग्गजों को आराम, रहाणे को कानपुर समेत टेस्ट की कमान। उर्फी जावेद का टिप टिप बरसा पानी गाने पर दिखा गजब का बोल्डनेस। बोनी कपूर के साथ उनके सभी बच्चों को मिला दुबई का गोल्डन वीजा, बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ डबल। शाहिद कपूर ने अली अब्बास जफर से मिलाया हाथ, अपकमिंग एक्शन फिल्म की शूटिंग की शुरू। सूर्यवंशी ओटीटी पर मचाएगी धमाल, अक्षय कुमार की फिल्म को नेटफ्लिक्स ने करोड़ों में खरीदा। पानी से लबालब भर गया मास्टर विजय की बीट्स का सेट, धीमी हुई शूटिंग की रफ्तार। आर्या के दूसरे सीजन के साथ सुष्मिता सेन की जबरदस्त वापसी, टीजर में सामने आई पहली झलक। आर्यन खान की रिहाई के बाद विदेशी मीडिया ने शाहरुख खान को दिया ये ऑफर, किंग खान ने किया इनकार। तारक मेहता के रोशन सिंह रोडी ने खरीदी रोल्स रॉयल्स, सोशल मीडिया पर वायरल फोटोज। आफताब शिवदासानी ने खास बातचीत में बताया आगे की प्लानिंग, स्पेशल ऑफ 1.5 से दर्शकों को इम्प्रेस करने की कोशिश। कुंडली भाग्य की प्रीता श्रद्धा आर्या इन दिनों बनेगी दुल्हन, अफसर संग दिल्ली में लेंगी साथ फेरे। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।